ये कहानी है जंगल में बसे एक महल की, जिसको तीन दोस्तों ने खोजने का इरादा किया। वो महल में एक शक्तिशाली कलाकृति रखी हुई थी। कई लोगों ने महल को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन उस महल से आज तक कोई लौटकर वापस नहीं आ पाया। वहां के रहने वालों का मानना है कि महल शापित है, और जो भी उस महल के पास जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आ पाएगा। एक दिन ये तीन दोस्त, जिनमें से एक का नाम अलिजा, एक का नाम मैक्सी और एक लड़की का नाम जरा था, ये तीनों इस जंगल में महल को तलाशने का प्लान बनाते हैं। अलिजा एक महानुभाव सेलर थी, मैक्सी पुराने भाषाओं में माहिर थी और जरा एक योद्धा थी। इससे पहले कि यह तीनों महल को खोजने की यात्रा पर निकले, उन्होंने अपना सारा जरूरत का सामान बांध लिया। जैसे ही वह लोग जंगल के रास्ते खोए हुए महल की ओर बढ़ते हैं, अंधेरा होने लगता है। पास ही एक गांव में वो लोग रात गुजारते हैं। रात के खाने के वक्त अलिजा और उसके दोस्त गांव वालों से महल की अफवाहों के बारे में पूछते हैं। वहां बैठा एक बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने बहुत सी अफवाहों के बारे में सुना है इस महल के बारे में। कोई कहता है इसमें बिना शुरुआत या अंत के जीवन वाले लोगों का निवास है, कोई कहता है यह शापित है और जो भी वहां गया वो लौट कर नहीं आया। मैक्सी थोड़ा आगे होकर पूछती है, और क्या सुना है आपने? बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये महल पुराने लोगों ने बनाया है, और वह एक ऐसे देवता की पूजा करते थे जो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन देवता किसी कारण से गुस्सा हो गए और महल को श्राप दे दिया। मैक्सी ने पूछा, कैसा श्राप? बूढ़े ने कंधा उचकाया, कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता, कहते हैं कि जो भी महल में प्रवेश करता है वह बुरे सपने से पीड़ित होगा और आत्माओं के द्वारा पीड़ित होगा जब तक ही उसकी मौत न हो जाए। अलिजा ने मजाक में बात उड़ा दी, लेकिन दोस्त जानते थे कि वह बुरा आदमी सच बोल रहा है। जैसे जैसे वो लोग घने जंगल से गुजरते गए, उन्हें अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें विश्वासघाती नदियों को पार करना था, घातक शिकारियों से बचना था और घने पर्ण समूह के माध्यम से नेविगेट करना था। आखिर में हफ्तों की खोज के बाद उन्हें खोया हुआ महल मिल गया। ये जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ था और ऐसी चीज उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। महल को पत्थर से उकेरा गया था और यह जटिल नक्काशी और प्रतीकों से ढका हुआ था। जैसे ही उन्होंने महल में कदम रखा, वह लोग एक अजीब से शक्ति उनके आसपास महसूस कर सकते थे। हवा एक प्राचीन जादू से भरी हुई थी और वह लोग दीवारों में से अजीब घुसफूस करने की आवाज सुन सकते थे। वह लोग भूल भुलैया जैसे गलियारों के माध्यम से आगे बढ़ते रहे और हर मोड़ पर जाल और पहेली का सामना करते रहे। जैसे ही वह महल के आंतरिक जगह के पास पहुंचे, उनका सामना एक शक्तिशाली अभिभावक से हुआ। यह एक ऐसा प्राणी था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, उस तरह जैसे तेज पंजे और दांतों के साथ। जैसे तैसे उन्होंने राक्षस से अपना पीछा छुटाया और आगे बढ़ने लगे। वहां उन्हें वह कलाकृति मिली जिसकी वे तलाश कर रहे थे। यह एक चमकता हुआ गोला था जो एक अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। लेकिन जैसे ही वे कलाकृतियों के लिए पहुंचे, महल हिलना शुरू हो गया और उनके चारों ओर चकनाचूर हो गया। उन्होंने एक प्राचीन श्राप को ट्रिगर किया था और अब उन्हें महल उनके ऊपर से गिरने से पहले भागना पड़ा। वह लोग कॉरिडोर के रास्ते भागने लगे, गिरते हुए पत्थर से बचने लगे। अंत में वे अपने हाथों में कलाकृतियों को पकड़ते हुए महल से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने सभ्यता की ओर अपना रास्ता बनाया, वे जानते थे कि उन्होंने कुछ महान हासिल किया है। उन्होंने अपने डर का सामना किया, अविश्वसनीय बाधाओं को पार किया और विजयी हुए।